गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल भावना व्लॉग्स। तो गाइज, आज जो है वीडियो बनाने वाली थी, मतलब मैंने शूट ऑलरेडी अपना व्लॉग कर लिया सुबह से काम धाम का और बना ली थी, लेकिन उसी बीच में मेरे को आज एक वीडियो, मैंने सोचा इस बारे में पोस्ट कर दूं, क्योंकि एक मैसेज वीडियो है और बहुत सारे लोग मेरा रिएक्शन जानना चाह रहे हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है, और जो भी सब कुछ चल रहा था जैसा है, एक वीडियो बनाया, डैट्स इट, उसके बाद ख़त्म वो टॉपिक, उसके बाद आगे जो है नई ज़िंदगी शुरू। तो ठीक है, जो होगा जब होगा, जैसे होगा वो आगे आपको पता लग जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, हम यूट्यूब पे हैं, हमें यूट्यूबर होने की कीमत तो चुकानी पड़ती है, तो हमारे को प्यार करने वाले इतने सारे लोग होते हैं, हमारे को हेट करने वाले भी उतने ही सारे लोग होते हैं। तो उनमें से कुछ एक लोगों का पीछे, मैंने बहुत सारे लोगों के चैनल्स भी जो हैं कॉपरेट दिया था, क्योंकि हम लोगों का काम वो लोग यूज़ करते हैं, गंदी बातें या कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं, कुछ भी वीडियोज़ जो बनाते हैं तो क्लेम्स हम लोग दे देते हैं। बाकी के और यूट्यूबर्स भी जो हैं उनके बारे में भी वीडियोज़ बनाई गई हैं मेरे साथ, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो लोग जो हैं फिर उठ उठ के आते हैं, जैसे उनका एक चैनल बंद होता है, देन उसके बाद वो दोबारा सो के उठ के आते हैं, देन दोबारा आते हैं, क्योंकि वो हमसे खुंदक खाते हैं। चैनल निकल नहीं रहा होता, नाम हम लोगों के यूज़ करने होते हैं, सारे बाकी यूट्यूबर्स के बारे में बात करनी होती है, क्योंकि लोग फिर वहाँ जाते हैं, व्यूज़ देते हैं, तो उनको ये जो है इस तरह से अपना वॉच टाइम वगैरह निकालना होता है। तो मैं यही कह रही थी कि जो इस तरह के लोग होते हैं, मुड़ मुड़ के वापस आते हैं, चैनल्स क्रिएट करते हैं, डिफेम करते हैं बाकी के यूट्यूबर्स को। अभी जैसे मेरा कुछ हो रहा है तो ठीक है, चालू है ये सब करना, तो कुछ चैनल क्रिएट किया गया, अभिषेक की पिक्चर लगाई गई है, उसमें भैया बकवास बातें, जो वो एक्चुअली उतनी बात ही जानते होते हैं जितना व्लॉग्स में देखते हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। मैं उन मैसेजेस से पता लगा सकती हूँ कि वो कौन इंसान है। जैसे आपको अपने घर वालों के बारे में पता होता है, आप हमें थ्रू कैमरा देखते हो, तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ सच है और कौन सी चीज़ झूठ है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है, क्या बात हुई थी, कब हुई थी, तो ये सारी चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं। तो वो जो भी इंसान है, लड़का है, लड़की है, जो भी इस तरह से अपने चैनल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो भी है, तो कल को तो अपना चेहरा लगाओगे, कब तक अभिषेक का चेहरा लगा के या मेरा नाम लेके या मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें लिख के अपना चैनल चलाने वाले हो, या जो भी, एनी केस जो भी है, ये मेरे को नहीं पता कि कोई यूट्यूबर ही है या कोई ऐसा मेरा रिलेटिव रह सकता है, कोई हो मेरे से भैया खुंदगी जो ये सारे काम कर रहा हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जो भी है वो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मेरे से प्यार करते हैं, वो मुझे आके स्क्रीनशॉट्स दे रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, तो आप लोगों को वो एक्चुअली पता है कि वो फेक चैनल है, आपको पता चल चुका है उसकी बातों बातों से कि वो फेक चैनल है, तो आप उसमें, मैं आपको सिर्फ इतना मैसेज दे रही हूँ कि आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दो ही मत, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, मतलब वो सिर्फ जो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, जो भी है आप उसको पढ़ रहे हैं, फिर आके मुझे मैसेज करें दीदी ये, तो मेरा रिएक्शन आप जानना क्या चाह रहे हो। ऑब्वियसली अगर कोई इतनी बकवास करेगा तो मेरा क्या रिएक्शन निकलेगा उसके ऊपर, रिएक्शन तो अपने आप ही, मैं पढ़ के तो मुझे गुस्सा ही आएगा ना। और दूसरी बात ये कि वो अभिषेक का ऑलरेडी चैनल है, ठीक है, अगर लिखना होगा, बोलना होगा, बोल देंगे, जैसे मैंने बोला है, उनको कोई बात होगी, क्योंकि जब डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, तो हर किसी का अपना अपना पक्ष होता है, मेरा अपना होगा, उनका अपना होगा, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है हमारी। और मैं जो है ये लड़ाइयों वाली, कई लोगों ने पूछा, बातों को एग्जैक्टली तो नहीं बताना चाहूँगी, बस मूव ऑन कर दिया है, थी कुछ बातें जो कि मैं नहीं बताना चाहती या नहीं करना चाहती, तो कुछ एक चीज़ें जो है अंदर ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं तो इस तरह के लोग और उठ उठ के आते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो भी है जो इस तरह का चैनल क्रिएट करके इधर उधर मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ, जिसके भी चैनल्स पर उसने जाके कमेंट्स किए हैं, वो जो भी आदमी है, औरत है, जो भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो भी है, यूट्यूबर नहीं है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा कोई है, लेकिन जो भी वो जाके कहीं पर भी कमेंट कर रहा है, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बोला दीदी इसने मेरे चैनल पे आके ये कमेंट किया है, मैं क्या करूं, तो मैंने कहा प्लीज़ आप इसको ब्लॉक कर दें, वो दोबारा कमेंट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। बट कुछ एक ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक नहीं करते, स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन उसके बाद दिखाते हैं, बताते हैं कि ऐसा हो रहा है,
तो आप पहले ही उसको ब्लॉक कर दें। आपको पता है कि कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है अगर चैनल पे किसी दूसरे के लिए, और अगर वो आपका दोस्त है तो आप ऑलरेडी उसको जो है ब्लॉक कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एक लोगों ने ऐसा ही किया, उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि पहला ही जब कमेंट आया कि दीदी ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने वो ब्लॉक कर दिया। बट आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप क्या टीस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे आदमी को? आपको अच्छी तरह पता है ये फेक चल रहा है जो भी है। अगर किसी को बोलना होगा वो चैनल बना के, अभिषेक को क्या व्लॉग्स बनाने नहीं आते थे या अभिषेक को वीडियो पे बोलना नहीं आता? सब कुछ वो करते थे, व्लॉग्स भी बनाते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं। कुछ बोलना होगा, अगर कोई बात होगी तो बोल लेंगे। तो ये सब जो लोग हैं, ये हम दोनों के झगड़े का या जो भी है कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं इस टाइम का। कुछ एक टॉपिक सा बना दिया इस बात को। मैंने इवन वीडियो डाला, उसके बाद मैंने 4 दिन वीडियो नहीं डाला। अगर मुझे ये होता व्यूज़ का, या मुझे ऐसा होता, या मुझे अरे मेरे तो व्यूज़ बड़े गज़ब आते, मैं 4-4, 6-6 वीडियोज़ डाल रही होती एक दिन में। बट ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि मैं परेशानी में थी। बट उसी मुद्दे के ऊपर उठ के कुछ एक ऐसे ही गर्मा गर्मी के माहौल में कुछ ऐसे टॉपिक डाल के वीडियोज़ डाल देना, ये तो आई थिंक, मुझे लगता है कुछ दूसरे यूट्यूबर्स को भी सोचना चाहिए कि अभी अगर इतना इस तरह का माहौल है और किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही है, ये कोई कहानी नहीं बन रही है, पूरा लाइफ किसी का चल रहा है, तो आप थोड़े टाइम उसको जो आप ट्रेंडिंग टॉपिक समझ रहे हैं उसको थोड़ा साइड रख के थोड़े दिन रुक जाए और फिर वीडियो डाल लें उस टॉपिक के ऊपर। इसमें कुछ जाएगा तो है नहीं, और भी ढेरों ट्रेंडिंग टॉपिक यूट्यूब पर रहते ही हैं वीडियोज़ पर व्यूज़ लेने के लिए, कोई गजब बात तो है नहीं। और रही बात ये, अगर मैं आपको बोलती हूँ मैं जो हूँ सक्षम हूँ अपनी बात बोलने के लिए, मैं किसी से अगर मदद लेना चाहती हूँ तो मैं बोल दूँगी, अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो मैं अपनी वीडियो खुद बना के बोल देती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये आपसे जो भी मेरे को ज़रूरत होती है मैं आप लोगों से बोल देती हूँ उस बारे में। तो मैं ये कूपर है एक्चुअली, तो मैं जो हूँ मैं बोल सकती हूँ। तो मैं कभी भी किसी को बोलूँगी नहीं, एक तो किसी दूसरे यूट्यूबर की आप मेरे लिए वीडियोज़ बनाएं, ये करें या वो करें, ना मैंने किसी को बोला है, ना मैं बोलूँगी। और मैं यही बोलूँगी, मेरे लिए तो एटलीस्ट किसी को कुछ वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत है नहीं यूट्यूब के ऊपर। मैं अपने लिए जो हूँ पूरी हूँ, मैं अपनी बात रख सकती हूँ, मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं मेरे को जिन लोगों से, जिन मेरे सब्सक्राइबर से मुझे अगर प्यार चाहिए या कुछ है, तो मैं खुद बोल के मांग लूँगी। मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे बिहाफ पे कहीं इधर उधर वीडियोस बनाए या जो भी है, और इस टॉपिक को या इस चीज़ को जो है ट्रेंडिंग ना बनाने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये किसी का जो है बहुत अभी इस तरह का माहौल चल रहा है, थोड़ा सा बंदा सोच ही सकता है, यूट्यूबर्स हैं, सेंटीमेंट्स हैं, ह्यूमैनिटी ही होती है कुछ एक इंसान की। तो थोड़े दिन जो है उस टॉपिक पर बात ना की जाए। चलो एक बंदा परेशान है ही ऑलरेडी, तो कोई फेक तो आपको ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से एक सिर्फ अपना चैनल निकालने के लिए टाइटल डाला था और नेक्स्ट डे मैंने ऐसा नहीं करा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने जो बोला वो सच था, और उसके बाद भी जो मैं कर रही हूँ आपके सामने मेरी ज़िंदगी है। और रही बात ये कि जो कुछ लोग मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, मैं उनको यही कहूँगी, करते रहो, जो तुम्हें करना है कर लो, मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, किसी और का भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। लेकिन वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ आप सब उन जाके मत वीडियोज़ देखें। आपको पता लग चुका है ऑलरेडी वो फेक बंदा है या बंदी है, जो भी है, वो जो भी है उसको हवा देने की ज़रूरत है ही नहीं इस टाइम पे। क्योंकि अगर किसी बंदे को बात करनी होगी, जैसे मैं अपनी शक्ल से, फेस से बात करती हूँ, तो कोई बंदा अगर किसी को कहना भी होगा, अगर अभिषेक को कोई कुछ कहना होगा तो वो मेरे से बात कर लेंगे, जो भी है वीडियो वीडियो बना के जो भी हमारा हो जाएगा आपस में, मैं यहाँ से बोल दूँगी, वो वहाँ से बोल देंगे। लेकिन किसी और तीसरे चौथे बंदे को बीच में पड़ने की ज़रूरत है नहीं। ये इस तरह के फेस, उनका जिस तरह की पिक्चर लगाई हुई है, मैं खुद बता दूँ इस तरह का फेस कभी अभिषेक लगाते ही नहीं। ये पिक्चर तो मेरे को ज़िंदगी में वो कभी लगाने भी नहीं देते ऐसी डीपी। तो मतलब वो जो पिक्चर लगाई हुई है वो तो पिक्चर ही इतनी गंदी है उस चैनल की। तो मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या है, कौन है, क्या नहीं है। और मैं फिर बता रही हूँ, बहुत सारी बातों से हमें पता होता है जब हम साथ रहते होते कौन सी बात क्या है क्या नहीं है। तो वो जितना हमें व्लॉग्स में देखते हैं उसके अकॉर्डिंग उसने पूरा बस ये कर दिया, वो कर दिया, ये ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है, फलान है, ढिकान है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, मैं यार बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, प्लीज़ आप पैनिक मत हो, आप परेशान मत हो, ये इस तरह के चैनल्स आते रहेंगे। ये एक नहीं है, मैं एक को लिए बोलूँगी, ऐसे अभी 10 चैनल खड़े होंगे। जैसे जैसे मेरा चैनल अगर ग्रो करेगा, ये ऐसे ही 10 चैनल और आएंगे, 15-20 और बन जाएंगे। क्योंकि उनको ये रहेगा कि ये नाम यूज़ करना है, ये करना है, इसको डिफेम करना है, ऊपर जाना है, तो ये बनते रहेंगे। तो आप लोगों को, आप जो होते हैं हमारे व्यूअर्स, वो
खुद जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है क्या सच है क्या झूठ है, कौन कैसे कमेंट करके झूठ अफवाहें फैला रहा है और कौन क्या सच है। तो मैं हूँ आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि उस बंदे में इतना गट्स नहीं है जो भी वो सब कर रहा है, मेरी वीडियोज़ ही निकाल निकाल के डाल रहा हूँ। बेवकूफ़ आदमी को ये नहीं पता कि क्लेम भी दे सकती हूँ मैं, उसका चैनल ही बंद हो जाएगा। पर जो भी है चलो करने दो उसको, अभी मज़े ले रहा है वो, थोड़े दिन उसको खेलने दो अभी। यूट्यूब जो भी बंदा है वो, उसको यूट्यूब करने दो, थोड़ा सा उसको दिल की तसल्ली करने दो, बाद में देखते हैं क्या करना है। क्योंकि मेरे पास और बहुत सारा काम है करने के लिए, अभी इसी टाइम यही स्क्रीनशॉट जो आप लोग भेज रहे हो प्लीज़ मत भेजो, अभी मेरे पास बहुत सारा काम है सच्ची में करने के लिए। बस यही मैं बोलना चाहती थी, मैसेज आप लोगों को देना चाहती थी। बाय, और मेरा व्लॉग आएगा अभी थोड़ी देर में, मैं एडिट करूँगी, मेरा व्लॉग आज ज़रूर आएगा। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं।